हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। तो आज मसूरी में हमें दूसरा दिन है, तो मैं फिर से मसूरी आया हूँ और यहाँ पे बहुत ही अच्छा मौसम हुआ है। फाइनली गाइज, हम यहाँ से मसूरी से अब चलने के लिए तैयार हो गए हैं और हमारी ये गाड़ी है, ये वाली गाड़ी हमारी, अब हम इसमें बैठने वाले हैं और अब हम यहाँ से चलेंगे हाथी पाँव। मसूरी में ही कहीं पे हाथी पाँव है तो सुना है कि वो बड़ा मशहूर है, तो पहले वहाँ चलते हैं, उसके बाद हम चलेंगे यहाँ से भट्टा फॉल, तो वहाँ पे फिर हम चलेंगे वहाँ से और भट्टा फॉल पे हम पैराग्लाइडिंग करेंगे। तो निकल, ये हमारी गाड़ी है, किया वालों की गाड़ी है, बहुत ही अच्छी गाड़ी है। मैं आपको अंदर से भी इसका वो दिखाता हूँ, तो मैं गाड़ी का इंटीरियर दिखाता हूँ आपको अंदर से। तो गाइस, ये मैंने खोल दिया है, ये देख सकते हैं आप, ये किया वालों की गाड़ी है और ये इसमें सिस्टम लगा हुआ है, ये है, और इसमें ये टर्बो भी दे रखा है, ये दिख रहा है आपको, ये टर्बो है कि आपको अगर स्पीड पकड़नी है तो ये चीज़ के लिए है। और काफ़ी अच्छा इसका वो है, पीछे की सीट है, पीछे हमारे साथी बैठे हैं दो, ये गौरव भाई हैं और ये पेप्सी भाई हैं, दो हमारे साथी बैठे हुए हैं यहाँ पर। जो हम अब आ गए हैं हाथी पाँव और यहाँ से जो है हम ऊपर जाएंगे, 1.5 किलोमीटर ऊपर है, वहाँ का व्यू बहुत अच्छा है। वैसे तो यहाँ हर जगह व्यू बहुत ही अच्छा है, तो गाइस देख सकते हो, ये हमने यहाँ पे हमने गाड़ी लगाई अपनी पार्किंग में और ये देखो, मसूरी में हम सबसे ऊपर टॉप पे आ गए हैं, काफ़ी अच्छा व्यूज है। मैं और आगे आपको दिखाता हूँ कि कितना अच्छा ये जो हाथी पाँव जो मैंने बताया था, ये तो एक गांव का नाम है, यहाँ से हमें ऊपर जाना है जॉर्ज एवरेस्ट और ट्रैकिंग करते हुए जाना है, ये रास्ता है, ये दिख रहा है आपको, ये लोग बाग जा रहे हैं देखो पीछे को, तो यहाँ से हमें 1.5 किलोमीटर ऊपर जाना है और ट्रैकिंग करते हुए जाना है। और ट्रैकिंग में तुम्हें पता ही है मैं थक जाता हूँ, फिर भी कोशिश पूरी करेंगे, चलते हुए चलेंगे आराम से। तो फ्रेंड्स, हम चलते हुए, हमारी 1.5 किलोमीटर की ट्रैकिंग है, तो हमने चलते हुए अपनी एनर्जी ले ली है लिमका, क्योंकि चलते हुए आपको पता ही है कि जब भी हम ट्रैकिंग करते हैं तो प्यास तो लगती है, तो मैंने ये लिमका ले लिया है, तो इसे लेते हुए चलेंगे, एक एक घूट लेते रहेंगे इसकी और ऊपर ट्रैकिंग करते हुए रहेंगे। इस और वोडका मिलाया हुआ है फ्रेंड्स, ये हमारे एक साथी है, ये देख सकते हैं आप, ये हमारे निपुण भाई हैं, तो ये गाड़ी में इन्होंने अपनी ट्रैकिंग पूरी कर ली थी, गाड़ी में इन्होंने जो है, अच्छा ओ माय गॉड, ये चलने के लिए तैयार है, ये चल, हाँ नहीं मानेंगे, बिल्कुल नहीं थकेंगे और ये ट्रैकिंग करके 2 किलोमीटर ऊपर जाएंगे, देख पाएंगे आज, आई कैन डू इट भाई। ये देख सकते हैं, ये हमारे जो है पार्किंग वाले मैन है, तो ये कह रहे मैन और इन्होंने रुको जरा, सबर करो, गाड़ी आप ट्रैकिंग करके आओ तो आपकी जो पार्किंग फ्री रहेगी, है ना, हाय हाँ, तो ये कह रहे हैं कि हमारी पार्किंग फ्री रहेगी क्योंकि हम इतना मेहनत करके हम नीचे से आए हैं तो अब ऊपर जा रहे हैं हम। तो फाइनली ये ट्रैकिंग का रूट है हमारा और ये चल दिए सारे, अभी तो ये जोश में है, आधे रास्ते ये होश खो बैठेंगे। आई कैन डू इट, हमारी ट्रैकिंग शुरू हो गई है और ये अब हम शुरू हो गए, 1.5 किलोमीटर ट्रैकिंग है हमारी और देखते हैं, ये शुरुआत का जोश है, अभी तो सांस फूलनी शुरू नहीं। ट्रैकिंग वाकई में काफ़ी डिफिकल्ट है, 1.5 किलोमीटर की है चढ़ाई, ये है काफ़ी हाइट पे है, धीरे धीरे हाइट बढ़ती जा रही है और सांस फूलते जा रहे हैं और मज़ा भी आ रहा है क्योंकि पहली बार आए हैं, तो देखते हैं कैसा आगे जाके एडवेंचर मिलता है, हो सकता है एडवेंचर अच्छा ही होगा, पीछे भी काफ़ी क्राउड आ रहा है, तो ये एक्सपीरियंस भी लेना चाहिए, हालांकि घूमते तो सभी हैं लेकिन ट्रैकिंग का एक्सपीरियंस भी लेना चाहिए। ट्रैकिंग में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, जैसे मैंने पहले रोहतांग में करा था तो रोहतांग में ऑक्सीजन की कमी थी, वहाँ चक्कर भी आ रहे थे, यहाँ चक्कर तो नहीं आ रहे लेकिन ये कि सांस जरूर फूल रही है। ये देखो, अभी हमारी 700 मीटर रह गई है, तो अभी 700 मीटर और चलना हमें, तो आधी ट्रैकिंग रह गई है,
ऊपर भी गौरव भाई हिम्मत हार चुके हैं और थक चुके हैं ट्रैकिंग करते करते, मगर अभी हम हार नहीं मानेंगे और ये पूरी ट्रैकिंग पूरी करके रहेंगे। चल रहे ट्रैकिंग तो कर ही रहे हैं। पार्क कैफे भी है यहाँ पे, काफी अच्छा कैफे है, काफी अच्छा व्यू है। अगली बार जब भी आओगे तो एक बार विजिट जरूर करना मसूरी में। ऊपर ये ज़्यादा दूर नहीं है, 8 किलोमीटर है यहाँ से, मसूरी से ऊपर 8 किलोमीटर है। हाथी पाँव गाँव का नाम है, वहाँ से ये 1.5 किलोमीटर ऊपर है यहाँ से जो है, और ये इसका मेन गेट आ गया है, काउंटर है। यहाँ से एक अंदाज़ा लगा सकते हैं हम बिल्कुल टॉप पर है। सफाई का विशेष ध्यान रखा हुआ है, हर चीज़ डस्टबिन में डाली गई है। देखा होगा काफ़ी सारे ब्लॉक में कि जब ऐसी जगह पहाड़ों पे हैं तो सफाई रखनी पड़ती है, ये सब अपने हाथ में ही है। तो फाइनली हम काफ़ी ऊपर आ गए हैं, अब थोड़ी जगह समतल हो गई है, हम टॉप पर आ गए। और ये देख सकते हैं आप, इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं हम बिल्कुल पहाड़ के टॉप पे हैं। और काफ़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, हल्के हल्के बादल भी उड़ रहे हैं। कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ का, काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये हम बिल्कुल टॉप पे हैं। तो ट्रैकिंग हमारी ऑफिशियली काफ़ी हद तक पूरी हो गई है, थोड़ी सी रह गई है। फ्रेंड्स मैं आपको दिखाता हूँ, काफ़ी अच्छा व्यू है, जितनी हमने मेहनत करी है उतना ही ऊपर अच्छा एडवेंचर मिल रहा है। देख सकते हैं आप सामने, एक इसका नाम देखिए आप, जॉर्ज एवरेस्ट है। ये व्यू है, काफ़ी अच्छा व्यू है। ये है यहाँ का व्यू, तो फ्रेंड्स कभी भी आए मसूरी में तो लिटली में बता रहा हूँ यहाँ जरूर विजिट करें, काफ़ी अच्छा व्यू है। मैं भी पहली बार आया हूँ, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ का। और ट्रैकिंग में भी मज़ा आया, ऐसा नहीं है, ज़्यादा लंबा ट्रैकिंग नहीं है, मात्र 1.5 किलोमीटर की ट्रैकिंग है, लेकिन ट्रैकिंग अच्छी है। ये देखें फ्रेंड्स, देख सकते हैं पूरा धुंध है यहाँ पे, कुछ दिख फ्रेंड्स देख सकते हैं धुनी धुन है यहाँ पे, ऐसा लग रहा है कि जैसे नीचे आग जला रखी हो और उसका धुआं ऊपर आ रहा हो। तो काफी अच्छा व्यू है यहाँ पे, फुल अल्टीमेट व्यू है गाइस, देख सकते हैं पीछे का व्यू काफी अच्छा व्यू है। तो जब भी मसूरी आए तो निपुण भाई, जब भी कोई मसूरी आए तो यहाँ विजिट जरूर करें, बहुत अच्छा व्यू आ रहा है। हाँ। ऐसा लग रहा है नीचे आग जल रही हो, उसका धुआं ऊपर आ रहा है। बहुत ही अच्छा व्यू है, हम बिल्कुल टॉप पे हैं। मैं आपको दिखा सामने, ये सामने आप देख सकते हैं, ये पहाड़ की बिल्कुल टॉप है। अभी हमें देखो वहाँ भी जाना है, ए गाइज हम अभी यहाँ भी जाएंगे, ये थोड़ा सा ऊपर है 900 मीटर पे ये हम, और सारे फ्रेंड्स हमारे आगे हैं ट्रैकिंग करते हुए, तो अभी इन्हीं के साथ हमें ऊपर जाना है, थोड़ी सी ऊपर है वो भी देखते हैं, 900 मीटर पे, लेकिन वो काफ़ी अच्छा व्यू बता रहे हैं वहाँ पे, यूँ कहेंगे कि वहाँ बादल ही बादल, जैसे हम बादलों में खड़े हैं। तो अभी वहाँ चलते हैं और आपको दिखाता हूँ, यहाँ तक की तो हो गई हमारी ट्रैकिंग। ये ऊपर है 900 मीटर है, ये 900 मीटर की चढ़ाई है। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ से अभी हमें 900 मीटर के ऊपर चढ़ाई पर चलना है, ये ट्रैकिंग है हमारी, इसमें अभी और ऊपर चलेंगे, अभी और थोड़ा हम ऊपर चल रहे हैं, 900 मीटर की और ऊपर ट्रैकिंग है, तो वहाँ देखते हैं कैसा। कुछ ऐसी ट्रैकिंग है जिसमें हम चल रहे हैं अभी और हमें वहाँ जाना है, ये हमें यहाँ जाना है। गाइस देख सकते हैं कितना अच्छा व्यू है। फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा व्यू है,
व्यू देखें आप, ट्रैकिंग करते हुए व्यू बहुत अच्छा मिला है। तो मैं दोबारा कह रहा हूँ कि यहाँ विज़िट ज़रूर करना। मसूरी से ऊपर है हाथी पाँव, ये एक गाँव है, उसी पे ये 1.5 से 2 किलोमीटर की ट्रैकिंग है, ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ जा फ्रेंड्स, हमें वहाँ जाना है, देख सकते हैं आप, ये हाँ वही है गाइज, देख सकते हैं यहाँ फ्लैग लगा हुआ है, हमें यहाँ जाना है, ये बिल्कुल टॉप पे है। तो यहीं चलते हैं, मज़ा आएगा। देख सकते हैं अभी मैं यहाँ वीडियो बना रहा था, फिर से यहाँ से बादल आने लगे, देख सकते हैं कितने अच्छे बादल आ रहे हैं, ये देखिए। सकते हैं जहाँ भी मैंने नीचे का व्यू दिखाया था, ये सारा का सारा धुंध हो गया है, तो कुछ नहीं दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा। अभी ऊपर इधर की साइड पहाड़ी थी, ये सारे का सारा गायब हो गया, काफ़ी अच्छा फॉग है। काफ़ी लोग मिले थे बीच में, काफ़ी लोग फ्रेंड्स मिले थे, तो वे कह रहे थे कि 900 मीटर की ट्रैकिंग है, लेकिन मुझे लगता नहीं है 900 मीटर की है, ये उससे ज़्यादा की लग रही है। अभी मतलब कि जितना हम एडवेंचर जा रहे थे, काफ़ी ज़्यादा हद तक एडवेंचर है इस ट्रैकिंग में, कुछ ज़्यादा ही मज़ा आ रहा है। तो ये हमारे फ्रेंड्स आ रहे हैं, और ये भी काफ़ी अच्छी काफ़ी हद तक ये भी ट्रैकिंग कर चुके हैं, और ये भी मेन टॉप पर ही जा रहे हैं, तो धीरे धीरे ट्रैकिंग कर रहे हैं। फाइनली गाइस यहाँ का व्यू दिखाता हूँ, ये देखो गाइस, ये ट्रैकिंग है, और ये देखो व्यू, अल्टीमेट व्यू है, और ये ट्रैकिंग है, और काफ़ी अच्छा एडवेंचर है, मज़ा आ रहा पूरा। बुरी हो गई है, इतने टॉप पे आने के बाद भी पसीने आ रहे हैं, और ये बिल्कुल लास्ट टॉप है, देख सकते हैं आप, बिल्कुल हम टॉप पे हैं इस टाइम, ये देख सकते हैं सामने का व्यू। और हम यहाँ से ट्रैकिंग करते हुए, और ये करते हुए यहाँ तक आ गए, और ये बिल्कुल देखो फ्रेंड्स, पूरे टॉप पे हम, ये देखें इतना अच्छा व्यू है। फाइनली हमारी ट्रैकिंग हो गई है, और हमारे एक साथी यहाँ पे है जिनका नाम गौरव है, ये भी यहाँ बैठे हुए हैं, ये अभी आराम फरमा रहे हैं। फाइनली हमारी यहाँ तक की ट्रैकिंग पूरी होगी, और एवरेस्ट कैफ़े एंड नेचुरल कैंप, इतनी ऊपर टॉप पे भी इन्होंने अपना काफ़ी अच्छा कैफ़े और कैंप बना रखा है, काफ़ी अच्छी साफ़ सफाई है यहाँ पे। तो ये कि इतने ऊपर आने के बाद भी किसी को डाइट लेनी हो तो यहाँ के ले सकता है, और मैं आपको लेके, और यहाँ के कैफ़े की क्या टाइमिंग है गाइस, देख सकते हो, ये कह रहे हैं कि ये 24 घंटे के लिए खुला होता है, मतलब कि जो हम ट्रैकिंग करके आए हैं, जो हम ये ट्रैकिंग करके आए हैं, तो ये पूरे 24 घंटे के लिए है, कह रहे कि रात को भी खुला रहता है, क्या बात है, मतलब कि इतना अच्छा एड्रेस, देखो कितना अच्छा व्यू है, इस तरफ तो काफ़ी अच्छे बादल हैं, घटाया, और उस साइड देखो, ये देखो उस साइड देखो कितना अच्छा व्यू है। गाइज यहाँ कैंपिंग भी होती है, ये कैंप है यहाँ का, यहाँ आराम से आप जा आके कैंपिंग भी कर सकते हैं 24 घंटे के लिए यहाँ पे। और ये देख सकते हैं आप ठेठ पहाड़न, और ये क्या है, पहाड़ी पहाड़न, क्या बात है। तो फ्रेंड्स यहाँ तक तो मैंने ट्रैकिंग कर ली थी, और अब यहाँ से मैं ऊपर जा रहा हूँ, ये रास्ता है, ये यहाँ से ज़्यादा नहीं है, 200 मीटर की ऊपर है चढ़ाई जो है ट्रैकिंग की, और ऊपर जो बहुत अच्छा फ्लैग लगा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ, सबसे टॉप पे यहाँ फ्लैग लगा रखा है, उसे देखने के लिए यहाँ से चलते हैं। तो ये ट्रैकिंग है, ये हमारी ट्रैकिंग शुरू हो गई है 200 मीटर की, और काफ़ी अच्छी ट्रैकिंग है, तो ऊपर चलते हैं हम, ये चढ़ाई है, और ये देख सकते हैं नीचे का व्यू, ये नीचे का व्यू है गाइस, काफ़ी अच्छा मज़ा आ रहा है। था जहाँ मैंने आपको अभी नीचे दिखाया था, वहाँ पे कैंपिंग मिलती है, उस कैंपिंग को लेके आप यहाँ से
ऊपर आ सकते हैं, 200 मीटर के ऊपर है चढ़ाई, वहाँ पे आप कैंपिंग लगा सकते हैं, पूरा समतल है यहाँ पे। देखो फाइनली गाइज मैं वहाँ से आया था और ये धीरे 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 यहाँ से ट्रैक करते हुए और इधर को मैं ऊपर जा रहा हूँ, यहीं हमें ऊपर जाना है और हमें वहाँ जाना है, देखो टॉप पे ये वहाँ आना है हमें, यहाँ से रास्ता है तो यहाँ से चल रहे हैं गाइज। ट्रैकिंग है ये काफ़ी टिपिकल है, ये देखो हमारे साथी आ रहे हैं यहाँ से, रास्ता देख सकते हैं धीरे धीरे काफ़ी पतला होता जा रहा है और ये ढलान है यहाँ का, काफ़ी छोटा रास्ता है और सबसे टॉप पर आ गए हम, ये देख सकते हैं आप। तो ये जितने भी पीछे आ रहे हैं इन्हें भी काफ़ी हद तक, और देखो हम वहाँ से आए थे नीचे, ऑलमोस्ट हम पहुँच ही गए हैं, ये लास्ट ही ट्रैक है। और ये देख सकते हैं गाइस, ये जो साथी हैं ये शॉर्टकट ले रहे हैं, ये भी काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आए हैं वीडियो बनाने के लिए। और देखो हम देखो कहाँ से आए थे, वो सामने आप देख रहे हैं ये जो सर्किल जो बना हुआ है, हम यहाँ से लेकर आए हैं, यहाँ से हम ये ट्रैक होते हुए और ये सारा, ये जितना भी देख रहे हैं आप ये ट्रैक करते हुए और इधर से ये सारा, और हम इधर से होकर आए हैं ये ट्रैक करते हुए हम। फ्रेंड्स मैंने सोचा था कि फाइनली हम आ गए हैं, लेकिन अभी तो और टिपिकल ट्रैकिंग है, मैं आपको देख, अभी ये वाली ट्रैकिंग हो रहा है, ये कुछ ज़्यादा ऊपर है और हमें वहाँ जाना, देख सकते हैं आप ये, हमें वहाँ जाना टॉप पे। फ्रेंड्स वहाँ से मैं हम आए थे ये होते हुए, काफ़ी ऊपर और जाना है, वहाँ जाना है, देख सकते हैं आप, एक फ्रेंड्स वहीं बैठा हुआ है फ्लैग के पास, हमें वहाँ जाना है और ये ट्रैक है, इस ट्रैक पे हमें ट्रैकिंग करते हुए जाना है, उसका तो मन ही नहीं कर रहा उतरने का, वो कह रहा है कि मैं यहीं कैंप लगाऊंगा। फ्रेंड्स फाइनली ट्रैकिंग करते हुए देखो यहाँ तक आ गए, देखो कितना अच्छा व्यू है, काफ़ी अच्छा सजा रखा है और कुछ लोग बाग यहाँ पिकनिक करने भी रहे हैं, तो यहाँ कैंपिंग भी होती है, ये देखिए कितना अच्छा व्यू है, एक फ्लैग इधर है और एक फ्लैग इधर है, एक ट्रैकिंग इधर की तरफ है और एक ट्रैकिंग इधर है। फाइनली यहाँ पे गाइस बाहर के लोग आए हुए हैं, यहीं पे पूजा चल रही है, ये जो देख सकते हैं आप, ये जो है ये पूजा कर रहे हैं और ये ट्रैकिंग है यहाँ की जो हम करते हुए चल रहे हैं। हल्की हल्की बारिश शुरू हो रही है और अगर बारिश शुरू होगी तो सारी ट्रैकिंग का नाश हो जाएगा। ओ माय गॉड नाइस, ये देख सकते हैं आप नीचे का व्यू, मैं दिखाता हूँ, ये देखिए काफ़ी अच्छा व्यू है। फाइनली हम आ चुके हैं यहाँ पे टॉप पर, ये फुल टॉप पे आ गए हम फाइनली, ट्रैकिंग पूरी हो गई हमारी फाइनली, ये हम फ्लैग पे आ गए हैं, मेरा भारत महान, वंदे मातरम। बारिश शुरू हो गई है, ट्रैकिंग पूरी हो गई है, अब यहाँ से चल रहे हैं नीचे की तरफ, कुछ ऐसा रास्ता है नीचे का, तो यहाँ से हम नीचे जा रहे हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स ऊपर से ट्रैकिंग करते हुए हम नीचे आ गए हैं और बारिश इतनी तेज़ हो रही थी कि वहाँ पे हमने थोड़ी देर के लिए ही पूरा व्यू का आनंद लिया और मैं दिखाता हूँ आपको क्यों है, ये देख सकते हैं, और हम वहाँ से आए थे काफ़ी ऊपर से और ये बारिश हो रही है, सारे के सारे इधर आ गए हैं, ये निकुंद भाई हमारे आ गए हैं यहाँ पे, काफ़ी शोर हो रहा है यहाँ पे तो इसलिए मेरी आवाज़ का तो आपको कुछ फर्क नहीं आ रहा होगा, और काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है। हमारे जो काफ़ी जो साथ में साथी हैं
वो सारे के सारे अभी ऊपर ही रुक गए हैं, तो जब वो आएंगे हम तभी चलेंगे, तो मिलते हैं थोड़ी देर में। फाइनली गाइस यहाँ पे जो क्या है बहुत तेज़ बारिश हो रही है, तो हम थोड़ी देर यहाँ पे जो है आराम करने के लिए रुके हैं और थोड़ा सा वेट करने के लिए रुके हैं यहाँ पे, कि बारिश अगर रुक जाती है तो उसके बाद हम यहाँ से चलेंगे। और यहाँ पर काफ़ी अच्छी धुंध है, बारिश भी हो रही है और हम इसके नीचे हैं, काफ़ी लोग रुके हुए हैं यहाँ पे बारिश से, देख सकते हैं आप। नीचे नहीं, जो हमारे साथी हैं वो बिल्कुल ऊपर टॉप पे ही हैं, कह रहे कि बारिश हो रही कोई दिक्कत नहीं है, हम वहीं पे रुकेंगे। अब उन्हें पता चलेगा जब वो बारिश में भीगते हुए आएंगे। और फ्रेंड्स देख सकते हैं टाइम हो रहा है, इस टाइम 1 बजने वाला है और हम ट्रैकिंग करते हुए नीचे पहुँचेंगे। फाइनली फ्रेंड्स अब नीचे जाने की हमारी ट्रैकिंग शुरू हो गई है, कुछ ऐसा रास्ता है, ये सब के सब देखो ये नीचे जा रहे हैं, ये नीचे का रास्ता सारा ट्रैकिंग का, और हमें जो है हमें वहाँ जाना है, तो अब हम नीचे उतर रहे हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स नीचे उतर रहे हैं, अब फाइनली हम आधी ट्रैकिंग करते हुए नीचे आ गए हैं, हम यहाँ से नीचे आए हैं और हम उस टॉप पे गए थे, वहाँ फ्लैग भी दिख रहा होगा आपको, लेकिन यह है कि वीडियो में नहीं दिख रहा, हमें वैसे दिख रहा है। और हम यहाँ से ट्रैक करते हुए यहाँ पे आ गए, जो मैंने आपको ऊपर से वीडियो दिखाई थी, ये हम यहाँ पे आ गए फाइनली। अब हम यहाँ से हम नीचे की तरफ जा रहे हैं फ्रेंड्स, फाइनली नीचे उतर रहे हैं हम, ट्रैकिंग हमारी पूरी हो गई है, ट्रैक फाइनली फ्रेंड्स आ गए हम रास्ते में ही है, और ये ट्रैकिंग हमारी पूरी होने वाली है, और ये हम एंड में ही आ गए बिल्कुल, तो नीचे चलते हैं अभी और नीचे जाके गाड़ी उठाते हैं और फिर सीधा यहाँ से जो है हम देहरादून के लिए निकलेंगे, क्योंकि हमारा काफ़ी टाइम यहाँ पे लग गया और अभी जो है 2 बज रहे हैं, और यहाँ से अब हम गाड़ी उठाएंगे और सीधा नीचे चलेंगे। आपको दिखाता हूँ ये रास्ता है, और फाइनली देख सकते हैं हम ट्रैकिंग करते हुए नीचे आ गए हम, ये व्यू है यहाँ का, काफ़ी अच्छा व्यू है, ये सारा व्यू है। और बस अब ज़्यादा देर नहीं रहा है, हद से हद यहाँ से जो है 100 मीटर की और ट्रैकिंग रह गई, फिर हम नीचे की तरफ पहुँचने वाले हैं। फ्रेंड्स फाइनली हम पहुँच चुके हैं, जब से मैं आप लोगों को कह जा रहा हूँ फाइनली हम आ गए हैं, और फाइनली अब हम आ ही गए हैं, ये रास्ता है जहाँ से हमने अपनी ट्रैकिंग शुरू करी थी, और ये मेरे पीछे है बैक साइड में मैं, हम इस ट्रैकिंग से आए थे और इस ट्रैकिंग पे यहाँ थे, यहाँ हमने एंड कर दिया, तो फाइनली हमारी ट्रैकिंग हो चुकी है पूरी, तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉक पे। तो फाइनली ये हो चुका है हमारा, अब नेक्स्ट लोकेशन तक मिलते हैं। सॉरी फ्रेंड, फाइनली हमारी ट्रैकिंग पूरी हो चुकी है, तो कैसा मजा आया फ्रेंड बता सकते हैं? आई कैन डू इट। फाइनली फ्रेंड्स हम मसूरी के रास्ते में बीच में ही मसूरी फॉल है, और यहाँ पे हम रुके हैं एडवेंचर के लिए, और यहाँ काफ़ी सारे एडवेंचर हैं, पैराग्लाइडिंग भी है, और ये सारी एडवेंचर हैं यहाँ, पैराग्लाइडिंग तो हो नहीं रही है, आज हवा भी नहीं चल रही है यहाँ पे, तो इसलिए पैराग्लाइडिंग नहीं हो रही है, ये वाले एडवेंचर कर रहे हैं ये क्या है, ये साइकिलिंग करेंगे, रस्सी पे बंधी हुई है साइकिलिंग, तो ये साइकिलिंग करेंगे यहाँ पे, तो ये रेडी हो रहे हैं साइकिलिंग के लिए, तो ये साइकिलिंग करेंगे सब, देख सकते हैं ये सब आए हुए हैं, ये अब यहाँ साइकिलिंग करेंगे इस पर बैठ के, और ये रस्सी पे चलेगी साइकिलिंग, तो मैं अभी दिखाता हूँ, तारों पे, ये तारों पे चलेगी ये सारी साइकिलिंग। चल बे पेन, तू पेन। गाइस जो मैंने आपसे बोला था कि मेरे दोस्त जितने भी हैं वो साइकिलिंग कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं ये आ रहे हैं साइकिलिंग करते हुए, तो आपको दिख रहा होगा ये तारों पे जो है साइकिलिंग हो रही है, देख सकते हैं आप, ये साइकिलिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं।
है।